नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं अजय साथिया। दोस्तों महज अभी कुछ ही महीने हुए थे हमारे फ्लाइंग ओवर का निर्माण हुए। मैं बात कर रहा हूं जिला सांबा की। जिला सांबा का फ्लाइंग ओवर बनता है और आपने मेरी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि कैसे वहां पे पाइपें लटक जाती हैं और बारिश के पश्चात कैसे पानी वहां से टिप 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 करके बरसने लगता है। क्या ये निर्माण सही था? और अब आप ये रिपोर्ट भी देखें कि हमारे ही सांबा के सरपंच लवलु संभ्याल जी क्या कह रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से, जो फ्लाइंग ओवर का निर्माण करवा रही है इसका संज्ञान लें। और हमारे विजयपुर में भी फ्लाइंग ओवर का काम लगा हुआ है, हमारे बड़ी ब्राह्मणा में फ्लाइंग ओवर का काम लगा हुआ है। कृपया इस ओर संज्ञान दें और ऐसी गलतियां यहां पे ना दोहराएं। यहां पर भी पानी टपकना नहीं चाहिए, यहां पर भी 6-6 महीने बाद रिपेयरिंग का काम लगना नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे विजयपुर में जो फ्लाइंग ओवर था जिसको तोड़ा गया, वो कितना मजबूत था, कितनी मजबूती से बनाया गया था, वो आज भी तोड़े से टूट नहीं रहा। उस निर्माण को देखिए और आज के निर्माण को देखिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप फ्लाइंग ओवर का निर्माण कर रहे हैं उसे ऐसा बनाइए कि उसकी रिपेयरिंग 6-6 महीने बाद ना करनी पड़े, उससे पानी ना टपके। तो उदाहरण बड़े बड़े दिए जा रहे हैं लेकिन फ्लाई ओवर जिसको अभी 6 महीने भी नहीं हुआ बना हुआ और उसका रिपेयरिंग करना जो है वो शुरू हो गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये फ्लाई ओवर जो है इसका भी टूटना जो है वो शुरू हो गया है। ये फ्लाई ओवर वाले लगे हैं इसको रिपेयर करने के लिए। 6 महीने में अगर ये पुल रिपेयर होंगे तो मैं एक ही बात पूछूंगा कि ये चलेंगे किससे। एक बड़ा भ्रष्टाचार ऐसे फ्लाई ओवर जो 9 साल में बनाए गए हैं उनको लेकर चल रहा है लेकिन यहाँ तो 6 महीने भी नहीं निकल रहे। बड़ा हादसा जो है वो इस फ्लाई ओवर में हो सकता है। ये आपको दिखाएंगे कि नीचे से सरिये तक इसके बाहर निकल गए हैं, इतना बड़ा खड्डा जो है यहाँ पे बन गया है। आखिरकार कितनी करप्शन और कितनी जिंदगियों को आप रिस्क के ऊपर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी 6 महीने नहीं हुआ इस पुल को बने हुए, अभी इसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई, अभी चिची माता वाले पुल की इनॉग्रेशन नहीं हुई और ये पुल टूटना स्टार्ट हो गए। ये कैसा विकास है? टोल के पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन गाड़ियां खड्डों में चलाई जा रही है। आखिरकार किस नाम का टोल ले रहे हैं और कौन सी डेवलपमेंट यह है जो इनकी तरफ से की जा रही है? मैं आपको बताऊंगा कि पूरे का पूरा पुल जो है ये लीकिंग कर रहा है। पहले भी हमने कई बार आपको बताया कि हमारा पुल जो फ्लाई ओवर जिला सांबा का बना है वो साइडों से उसका पानी टपकता था, अब बीच में से टपकना शुरू हो गया है और एक बड़े बड़े खड्डे जो है ये कहीं ना कहीं कई जिंदगियों को न्योता दे रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा जो है वो होने वाला है। हमने पहले भी कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाए कि उनकी कौन सी एजेंसी थी जिन्होंने इन पुल को पास किया है और उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है जो ये पुल 6 महीने भी नहीं निकल रहे उससे पहले ही ये टूटना स्टार्ट हो गए हैं। LG साहब ध्यान दे, नितिन गडकरी जी ध्यान दे, प्रधानमंत्री जी जिनका नारा था भ्रष्टाचार खत्म करने का और जम्मू कश्मीर में आंखें बंद करके ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये नलायकी गवर्नमेंट की है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है या उन एजेंसी की है जिन लोगों ने ये पुल पास किए हैं और करप्शन करके इतना पैसा गया है कि 6 महीने भी ये पुल नहीं चल पा रहे। पहले पुल 70-70 साल चले, कोई दिक्कत नहीं आई, इनको 6 महीने भी नहीं हुआ ये टूटना स्टार्ट हो गए हैं। इनके ऊपर जरूर ध्यान दे और जब भ्रष्टाचार का बड़ा नारा लगाया गया था उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या जो मुखा भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए।